डॉक्टर साहब की रिकमेंड पे तो हमने दवाई इस्तेमाल की, एक माह दवाई इस्तेमाल की, उसके बाद हम 70% ओके हो गए हैं, मैं तो मसले अब गांव ख़त्म हो गए हैं तकरीबन। परेशानी डिस्टर्बिंग रहती थी डॉक्टर साहब, हम जो 2020 से वीडियो हम देख रहे हैं, हमने अपने जो घर पे भी इम्प्लीमेंट कर दिए, हमने बोतलें बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अच्छा, ये मेरे साथ मरीज़ हैं, इनका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। इन्हें एच पायलोरा है, ये जो जरासीम आप देख सकते हैं, इन्हें इनकी वजह से मैदे की सोजिश थी, जिसको हम गैस्ट्राइटस कहते हैं। ये क्रॉनिक गैस्ट्राइटस का शिकार था। मैं आपको ये बताता हूँ कि एच पायलोराय होता कैसा है। ये डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से हो सकता है, थ्रू सलाइवा, वॉमिट, इवन वो फीकल मैटर, यानी कि कोई पानी आप ऐसे सोर्स से पी रहे हो जहाँ सीवेज कंटेमिनेशन हो। इसके अलावा कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, जिसमें एच पायलोराय जो है ये जरासीम सर्वाइव करता है, पानी में या फूड में, सो कोई भी कंटेमिनेशन कहीं मिल गई, पुअर सैनिटेशन, हाइजीन कंडीशंस, तो ये कंटेमिनेट कर देगा। उसके अलावा फीको ऑरल, मैं बता चुका हूँ, अनहाइजीनिक सिचुएशन जो होती हैं उनके थ्रू हो जाता है। फिर कुछ इसकी अननोन सोर्सेज भी हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे, इनको क्या होता था, मैदे में दर्द होगा, नौजिया की फीलिंग आएगी, यानी कै मतली की, भूख बाज़ुकात ख़त्म हो जाती है, बार बार पेट फूल जाना, ब्लॉटिंग होना, डिकार आना, ये सारे सिम्टम्स थे, या अन इंटेंशनल वेट लॉस भी होना। तो ये जो स्टमक की आप लाइनिंग देख रहे हैं, ये इसको इरीटेट करता है एच पायलोराय, एंड अल्टीमेटली कैन कॉज डैमेज। तो इनका हमने वो इरेडिकेशन की, एच पायलोराय हमने सारा ख़त्म कर दिया। ये अल्सर्स भी करता है, इवन एक लिम्फोमा है उसमें भी जो है ये एच पायलोराय इन्वॉल्व है। नाउ ही इज़ ऑल वेल फिट एंड फाइन। मुझे बताएं, हमने आपको एच पायलोराय का कोर्स दे दिया, इसका 14 दिन का कोर्स होता है। आइडली इसको देखते हैं स्टूल में, एच पायलोराय स्टूल एंटीजन, ये एक्टिव बताता है कि एक्टिवली है कि नहीं, या एक इसका सांस का टेस्ट होता है जिसको यूरिया ब्लड टेस्ट कहते हैं, या फिर बायोप्सी लेते हैं। और इनका हमने बायोप्सी लेकर स्टडी किया था, तो उन लाइनिंग्स में जो है हमें एच पायलोराय आया था। ये आप एंडोस्कोप देख रहे हैं, एंडोस्कोप इस तरह पास करते हैं, और फिर ये इनकी जब की तो उसमें लाइनिंग नहीं है मौजूद था, और उसकी बायोप्सी पे फिर स्टडी हो गई, और वो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट जो है वो उसको देखता होता है। फिर एक खून में होता है, खून सिर्फ ये बताता है कि इसको इन्फेक्शन कभी था, एंड दैट्स इट। उसके बाद जो है ये सारे चलते हैं सिलसिले। अब आपकी तबीयत कैसी है? अब हमारी जो डॉक्टर साहब की रिकमेंड पे तो हमने दवाई इस्तेमाल की, एक माह दवाई इस्तेमाल की, उसके बाद हम 70% ओके हो गए हैं। 70% ओके, बिल्कुल सर। जो मसले होते थे मैदे में, मसले अब ख़त्म हो गए हैं तकरीबन। होते क्या क्या थे? तेजाबियत, तेजाबियत होती थी सर, जो ही रोटी खाते थे उसके बाद जो ना गैस हो जाती थी, नींद जो है ना लेट आती थी, वो अब ख़त्म हो गई है। परेशानी डिस्टर्बिंग रहती थी, सही है, अब वो ख़त्म हो गया इंशाल्लाह आपकी दुआओं से। आप बहुत मेहनत करते हैं। नहीं, अल्लाह आपको सेहत दे। बस मैं आप सबको ये बताना चाह रहा हूँ, जहाँ भी मुझे लोग देख रहे हैं, प्लीज़ मैं एक बात बड़ी क्लियर कहता हूँ, साफ़ खाना है, साफ़ पीना है, जो मर्ज़ी खाएं, जो मर्ज़ी पिएं, साफ़ खाएं, साफ़ पिएं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हाइजीन का ख्याल रखें। पाकिस्तान के सबसे बड़ा मसला ये है कि हम जितने ज़हनी माशरती तौर पर मनफी हो चुके हैं, उतना ही हम अपने ख़ुराक के साथ भी मनफी हैं, ये मनफियत हमें ले डूबेगी। साफ़ खाएँ, साफ़ पिएँ, जो खाना है खाएँ, अपनी सेहत को, मैदे को देखते हुए, ठीक है, एतदाल में खाएँ, हमारी सुन्नत कहती है, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखें। साफ़ खाएँ और साफ़ पिएँ, दिस इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो करनी है। थैंक यू डॉक्टर साहब। हम जो 2020 से वीडियो हम देख रहे हैं, हमने अपने जो घर पर भी इम्प्लीमेंट कर दिए, हमने बोतलें बिल्कुल ख़त्म कर दी हैं। डॉक्टर साहब की वीडियो मैं प्रॉपर देखता हूँ। तो अच्छा, मुझे ये बताओ कि चीज़ें, ये थोड़ी सी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, अभी जैसे मैं कह रहा था साफ़ खाएं साफ़ पिएं, उससे कितना फ़र्क है? बहुत बड़ा फ़र्क है सर। ये जो आप इस वीडियो पे जो वीडियो अपलोड करते हैं ना, मैं डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, अगर वो फॉलो उनको वीडियो को फॉलो करे, सारा कुछ ना आपने वीडियो में डाल दिया है। बस मैं इनको ये बता रहा हूँ, साफ़ खाएँ साफ़ पिएँ, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हाइजीन है। देखिए, हमारे पिंडों देहातों में या इवन हमारे शहरों में या हमारे खोखों पे खाने का मसला उस तरह नहीं है, सफाई का मसला है। सफाई का मसला बिल्कुल ऐसे है। आप देखिए, हम स्टेशन पे जब बल्क में बना रहे होंगे, चीज़ें करेंगे, हम साफ ही नहीं रहे, ठीक है, मोबाइलों पे ध्यान होगा, इधर उधर हुए होंगे, जब आप सफाई नहीं रखते। अभी बार बार एच पायलोराय में मैं क्या कह रहा हूँ, सीवेज का मिला हुआ पानी, यहाँ आटे तक बाथरूमों में कुछ खोखों पे गूंदे जा रहे होते हैं। हम तो देहात के रहने वाले हैं, हम सबसे साफ होते हैं, हम खुद इसको करते हैं, जनरेट करते हैं, वहाँ कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं कुछ वार्डों में बुला दें, दूर दूर काम करते हैं, इसलिए कोई पानी गंदा पिए कहीं से, ये मसला हो गया है। सुन लें, वापडा के मैं मुलाजिम है ये, तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, इवन वहाँ भी मैं आपको कहूँगा कि आप लोग जिन सोर्सेज में रहते हैं, मैंने आपकी वो जगहें देखी हुई हैं जहाँ बाज़ुकात
आप खानों की ड्यूटियां लगाते हैं, आज वो बनाएगा वो बनाएगा वो बनाएगा, और कोई ऐसा टकर गया जो सफाई का ख्याल नहीं रखता तो आपको टकर जाएगा फिर। थैंक यू वेरी मच।